हमें जैसे ही प्रिंट निकालना हो तो इस तरह से ये डाटा पूरा निकल जाएगा हमेशा। और आपको कुछ भी इसमें एंटर करना हो, अपना नाम डालना हो, उसका ये बदलना हो, देख रही एग्रीगेट वन लिखा हुआ है यहाँ पे सैंड लिखा हुआ है, यहाँ सीमेंट, यहाँ वाटर, तो उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं एक बार और पानी उठा के दिखाता हूँ, यहीं से सामने से शूट करो। देखिए किस तरह से इसके अंदर हमें वाटर का बटन दबाया मैंने, देखिए कितना हाई प्रेशर पानी उठा रहा है, यानी ये पंप बहुत ही अच्छा है। अब आपके सरकारी काम छूटने वाले नहीं है, और अगर आपने हिम्मत हार दिया हो कि भाई इतनी महंगी मशीन आ रही है वो टेंडर मुझे कैसे मिलेगा, तो वो संजीव कुमार आपका टेंडर छूटने नहीं देगा। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। देखिए इसमें ये 6:04 को ये टाइम भी आ गया 17:20 पे, जो ये प्रिंट निकाला गया है। अभी 18:25 हो रहा है, देखिए टाइम भी है, ये 6:25 हो रहा है, एकदम लाइव टाइम दिखा रहा हूँ मैं आपको, और एकदम ये टाइम एक्यूरेट टाइम है। हाइड्रोलिक होपर, और देखिए 3 बिन इसके अंदर एकदम डिस्प्ले निकलेगी। देखिए इसके अंदर तीनों बिनों के अलग अलग डिस्प्ले हैं, कांटा जिसे कहते हैं, तराजू जिसे कहते हैं, वो है। अगर बंदा इसमें माल डालेगा तो देखिए उसके अंदर वजन बता रहा है। ये देखिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, ये माल गिर गया सारा। फिर हम हल्के हाथ से दबाएंगे तो ये नीचे आएगा, देखिए ये देखिए कैसे आ रहा है, ये आ गया नीचे, देखिए बस यहाँ रोक देंगे। माल इसमें गिरने के बाद इसके अंदर माल मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद फिर हम यहाँ माल को नीचे पलटी मार देंगे ऐसे, ये देखिए, ये देखिए कैसे माल गिर रहा नीचे, एकदम बेहतरीन, ये सारा माल नीचे गिर गया, देखिए जूम करके दिखा देना। और फिर हम इसको इसी कंडीशन में ला के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे लॉक लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, ये होने के बाद हम यहाँ पे लाओ, यहाँ पे हम बटन दबाएंगे तो इसका सारा प्रिंट निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रिंट वाला बटन है रेड वाला, हम जैसे ही दबाएंगे देखिए किस तरह से प्रिंट निकलेगा, ये देखिए कि इसमें पहले में आएगा एग्रीगेट वन, यानी एग्रीगेट वन में रोडी जा रहा है 10 mm है या 20 mm डाल रखा है आपने। अगर एक ही रोडी यूज कर रहे हैं तो 20 mm का डाल दिया। एग्रीगेट टू आएगा, उसके अंदर क्या है, कोई जीरा डाल देता है, कोई 20 mm वो 10 mm डालता है, बारीक रोडी डाल देता है, या बदरपुर डालता है, या डस्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद आएगा सीमेंट, सीमेंट एक में सीमेंट आएगा कि सीमेंट कितना डाला जी। और उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा वाटर, तो वाटर कितना गया उसका डाटा दिखाएगा इसमें, वाटर का दिखाएगा कि इसमें अभी 2.4 लीटर वाटर गया। और कैसे बेल्टें घूम रही है सामने से दिखाओ, जूम करके दिखाना। राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का VF से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही अच्छी जानकारी और नॉलेज लेके आया हूँ, जो हमेशा आप कमेंट करते रहते थे कि हमें सर NTPC का काम मिलता है और सरकारी वर्क मिलता है, सरकारी टेंडर मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, सरकारी अधिकारी हमें बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि एक ऐसी मशीन लेके आओ जिसके अंदर प्रिंट निकलता हो और एकदम डिजाइन मिक्स हो, उसके अंदर पूरा डिजाइन मिक्स हो और उसके बारे में पूरा हमें डाटा निकले कि कितना माल एकदम एक्यूरेट इसके अंदर मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, उसको लेके हम बड़े परेशान रहते थे। उसके बारे में प्लीज एक हमें मशीन के बारे में बताइए। तो वीडियो के लास्ट बन रही है, वही सोल्यूशन लेके आया हूँ, एकदम 3 बिन डिजाइन मिक्स होपर मिक्सर, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखी है, पर ये एकदम फुली इलेक्ट्रिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एकदम वीडियो के लास्ट तक बन रही है, वीडियो शुरू करने से पहले हरी का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बन रही है। शुरुआत बेहतरीन और एक्साइटेड पन हो तो अंत भी बहुत अच्छा होता है, तो वीडियो के लास्ट बन रही है। पूरी मशीन को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले करो और दिखाओ किस तरह से हमने ये मशीन डिजाइन करी है, एकदम जो 25-25 लाख की मशीन है, 42-42 लाख की एजेक्स फ्लोरी, आपने नाम सुना होगा एजेक्स फ्लोरी, वो हमने बना दिया एकदम 4 लाख से कम के अंडर में, देख पा रहे होंगे एकदम 3 बिन होपर मिक्सर, फुली एकदम हाइड्रोलिक ऑपरेटेड हमने बनाया। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर से हाइड्रोलिक टैंक लगा के, पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इंजन से चलने वाला बनाया था, अब ये फुली हमने एकदम हाइड्रोलिक होपर, और देखिए 3 बिन इसके अंदर एकदम डिस्प्ले निकलेगी। देखिए इसके अंदर तीनों बिनों के अलग अलग डिस्प्ले हैं, कांटा जिसे कहते हैं, तराजू जिसे कहते हैं, वो है। अगर बंदा इसमें माल डालेगा तो देखिए उसके अंदर वजन बता रहा है, ये देखिए मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए वो
अगर इसमें डालेगा माल तो इसमें देखिए वजन बता रहा है, देखिए वो प्रेस करने पे एकदम रुक गया। अगर ये नीचे वाले पे देखिए, ये देखिए दबाने पे प्रेस करने पे रुक गया। तो एकदम यहाँ से इसका डिजाइन ऐसा है, और हमने इसका पैनल का भी डिजाइन ऐसा किया है कि यहाँ से मजदूर माल भी डालेंगे और वहाँ देखते रहेंगे, यानी ऑपरेटर को बार बार नहीं बताना पड़ेगा रुक जा भाई रुक जा रुक जा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मशीन ने डिजाइन की है, बहुत पसंद मिल दिया जा रहा है। ये कम से कम 4-5 जा चुकी हैं, पर मैंने आज वीडियो टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो बना दिया कि आप लोगों के पास भी ये मैसेज पहुंचे कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, मैं इसे चला के दिखाऊंगा। चलाने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ये 1 बैग कैपेसिटी की डिजाइन मिक्सचर है 3 बिन में, यानी इसके अंदर एक बार में 1 बोरी का माल मिक्स हो जाएगा, और इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी ले लेगा इसका जो ये प्रिंटर, यहाँ पे दिखाओ ये इसका पैनल है। ये पैनल बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है, ये वेवेचर है, इसके अंदर तीनों का एकदम ये प्रिंट निकलेगा। ये जूम करके दिखा देना, देखिए किस तरह से ये प्रिंट निकला हुआ है, और इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी ले लेगा। कुछ इसमें कमी आई तो इमरजेंसी स्विच है, और ये इसको पैनल को ऑन ऑफ करने का है, वाटर यहाँ से ऑफ हो जाएगा वाटर ऑन हो जाएगा, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक पानी लेगा। हमने इसके अंदर डिजाइन किया है जो ये 3 बिन होपर बनाया है इसका, होपर से इधर से माल डलेगा तो डायरेक्टली इसके अंदर माल चला जाएगा। जैसे ही हमें लीवर प्रेस करेंगे, मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बना रहा। ये हमने बहुत हैवी बनाया है, 5 इंची 165 के चैनल का बनाया है, बहुत एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी में, और 10mm का ये इसका सेंटर तवा लिया है, और इसकी हिच बनाई है बहुत एफी, और इसको बहुत अच्छा डिजाइन किया है। इसके अंदर हमने एंटी का वॉल लगा रखा है जो कि हाई प्रेशर का है, और जो ये पाइप लगा रखे हैं बहुत ही हैवी ड्यूटी में है, 275 बार की लगी हुई है, और हॉस पाइप इसके अंदर, और इसकी स्टेयरिंग हमने लगा रखी है। देखिए स्टेयरिंग में हमने बैरिंग वाला सिस्टम लगा रखा है, जिससे कि जो ऑपरेटर चलाता है इसका माल मिक्स करता है तो उसको इसे ड्रम को घुमाते समय उसकी ये बाजू ना दुखे, यानी हल्के हाथ से एक उंगली लगा के इसको हाथ से घुमा लेगा, इतनी स्मूथ घूमेगी देखिए, और यहाँ में माल मिक्स हो जाएगा। देखिए इसमें पानी पहले ही चेक करा हुआ है तो पानी है इसके अंदर, और हम यहाँ पे इसको ऐसे खड़ा रखेंगे और लॉक लग जाएगा। और इसके अंदर हम जो डिज़ाइन किया है, हमने हांडी का जो ये रखा है, ये ज़्यादा दूर दूर जाती हैं, ज़्यादा वर्क करता है, उसके लिए हमने इसके अंदर बहुत हैवी हांडी लगा रखी है। ये मोटी 12-10-3 की प्लेटें लगा रखे हैं। ये ड्रम बहुत एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी में है, उसकी वजह से मान लीजिए जो इसका वजन है, फिर मटेरियल का वजन है, उसकी वजह से ये जो ये पूरे ड्रम का वजन होता है इस जेक प्लेट पे होता है, तो ये लोगों में 2-2 बोल्ट होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ख़राब होते हैं। हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा 1-1 बोल्ट और लगा दिया है जेक प्लेट पे, 5 बोल्ट वाला जेक प्लेट लगा दिया। यहाँ पे हमने डबल बैरिंग लगा रखा है, एक डबल बैरिंग यहाँ है और डबल बैरिंग यहाँ है, तो बैरिंग्स को लेके कभी भी एकदम शिकायत ही नहीं आती है। और हमने इसके अंदर बी ग्रुप की पुली डाली है जो कि स्टैंडर्ड है, सब जगह मिल जाती है, क्रम की उसका 7.5 HP का मोटर डाल रखा है इसके अंदर। और ये जो टायर देख पा रहे होंगे चौड़े चौड़े, सामने से दिखाओ, ये स्कॉर्पियो के टायर है चौड़े चौड़े। स्कॉर्पियो का प्रचार आपने देखा ही है कैसे थार स्कॉर्पियो एकदम रेत में चलती हैं, धसती नहीं है, तो इससे लेके ये दलदली ज़मीनों में चलने लायक ये टायर बहुत ही अच्छे हैवी ड्यूटी टायर हैं, इसके अंदर बड़े बैरिंग डाल रखे हैं, और इसकी केबिन की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आता है इसका ये हाइड्रोलिक टैंक, जो हमने इसके अंदर 30 लीटर का हाइड्रोलिक टैंक बना रखा है, और इसके अंदर ये हमने पंप लगा रखा है, इसके अंदर डाउटी पंप लगा रखा है, इसके अंदर कपलिंग का सिस्टम है, तो हमने मोटर में पुली लगा रखी है 4 बेल्ट की, और इसमें 2 बेल्ट इस पे चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंजन जो आपने देखा था पहले, हमने इंजन वाला बनाया हुआ था, तो इंजन वाले में क्या था कि उसमें पंप लगा हुआ आता है, पर इसके अंदर हमें अलग से ये पंप लगाना पड़ता है, तो इसकी ये सेटिंग है। तो वीडियो के लास्ट बन रही है, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। इसके अंदर हमने देखिए पानी का पंप लगा रखा है, क्रमटम की इसका यहाँ पर दिखा दो, इसकी जो ये डिज़ाइन देख पा रहे होंगे, इसका जो ये ब्लॉक है इसके अंदर हल्की सी रेतीली मिट्टी भी जाएगी तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, इस तरह का है ये। बहुत क्वालिटी के मामले में एकदम बेफिक्र है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करवाता है मशीन वाला। और इसके अंदर देखिए हमने ये सिस्टम लगा के इसे टांगने का सिस्टम बनाया है, घोड़ी बनाई है, और ये रहा इसका जैक, लिफ्ट वेल कंपनी का, गुजरात की कंपनी है जिसका हम ये जैक लगाते हैं, और लोड मास्टर के जैक इसके ये लोड सेल आते हैं, जो इसमें लोड सेल लगे हैं, ब्रांडेड लोड सेल हैं, जो कि जल्दी इसमें ना के बराबर कमी आती है। और होपर को यहाँ रोकने के लिए हमने यहाँ जैक भी दे दिया है, यहाँ इधर जैकों पर रुक गया और इधर रुक गया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये 3 बिन है, 3 बिन में क्या है, ये अलग अलग बिन होती हैं, 1 बिन 2 बिन 3 बिन, उसके बाद इसका होपर अलग होता है, और यहाँ पे क्या है,
ये हम इसका एक हैवी ड्यूटी कपड़ा लगा देते हैं, ये दोनों का जॉइंट है, जिससे कि वजन पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो वीडियो के लास्ट बने रही, मैं इसे चला के भी दिखाता हूँ, बहुत देर से आपको इंतजार करवाया, इसके स्पेसिफिकेशन बता दिए, अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ। चलाने के लिए ये पैनल हमने अलग रखा है, क्योंकि अलग है इसका स्टैंड अलग है, उससे ये फ़ायदा है कि मशीन में अगर हम लगा देते हैं तो मशीन में वाइब्रेशन होती है, तो इसके वजन घटते बढ़ते रहते हैं, उससे कि पता नहीं चलता है कि कैसा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। तो ये देखिए हमें क्या करना है, पहला प्रोसेस, अभी इसके अंदर एक MCB होती है, मैं पैनल को खोल के दिखा देता हूँ। देखिए इसे हम बेच वेटर कहते हैं या प्रिंटर यूनिट कह देते हैं। देखिए एक इसमें MCB है, ये हमने MCB ऑन करी, इसके अंदर ये सामान लगा हुआ है, जूम करके दिखाना ज़रा सही से। तो अब ये MCB ऑन करेंगे तो ये सारा ऑन हो जाएगा, इसके अंदर पूरी लाइट आएगी। देखिए इधर आ जाओ, ये देखिए यहाँ से दिखाना, ये आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाए। यही है डिजाइन मिक्स जो एजेक्स फ्लोरी में लगे होते हैं, बड़े बड़े प्लांटों में लिखते हैं, जो कि 50-50 लाख 40-40 लाख रुपए के आते हैं। तो जो हमारे छोटे भाई हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे ठेकेदार हैं, उनके हाथों से कॉन्ट्रैक्ट छूट जाता है। NTPC का कॉन्ट्रैक्ट हो, या वो सरकारी कोई टेंडर हो, या कोई हॉस्पिटल बन रहा हो, कुछ भी आजकल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, ये एकदम डिजाइन मिक्स से ही काम करवाओ। तो ये कम बजट की मशीन हमने लॉन्च की है, तो ये एकदम डिजाइन मिक्स है। देखिए यहाँ बैच इन इंडिया प्रिंटर यूनिट, इसमें पूरा प्रिंट निकलेगा, यहाँ पे अभी ये प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ जैसे ही हम MCB ऑन करेंगे, देखिए इसमें लाइट आ जाएगी। देखिए ये MCB मैं ऑन करूँगा और इसमें सब में लाइटें जल जाएंगी, इधर भी देखिए, ये देखिए कैसे लाइटें जल गई। और MCB ऑन करके हम इसको बंद कर देंगे, ये देखिए ये बंद कर दिया। ये इसके अंदर वोल्ट भी दिखाएगा, एम्पियर भी दिखाएगा, यानी फुली ऑटोमेटिक प्रिंटर लगाया गया है, पैनल लगाया गया है। तो इसके अंदर दो मोटर लगी है, 7.5 HP की, एक 1 HP की लगी है पानी की मोटर। तो उसमें क्या है, पानी में वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ 204 वोल्ट आ रहा है और ये एम्पियर अभी 0 दिखा रहा है। एम्पियर जब दिखाएगा, जब हम मोटर को चलाते हैं तो पता चलता है कि कितनी एम्पियर है। ये ट्रिप करता है, अगर ट्रिप कर रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ट्रिप करके लाइट जल जाएगी। और ये पानी का फ्लो मीटर है, इसमें क्या है, सेकंड सेट कर देते हैं हम इसको पानी चलाते समय कि कितना पानी चाहिए, तो यहाँ से सेकंड सेट हो जाता है। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है किस तरह से सेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम अगर इसको चलाएंगे तो अभी नहीं चलेगा, यहाँ से हमें ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए ऑन करते ही ये मशीन चलती रह जाएगी। तो ये हो गया, और उसके बाद ये इमरजेंसी स्विच है, अगर हम यहाँ पर पुश कर देंगे तो सारी लाइट चली गई, देख पा रहे होंगे। और फिर इसको हम हल्का सा घुमा के ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। देखिए सारी लाइटें दोबारा से आ गई। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और देखिए यहाँ पे ये 3 इंडिकेटर और लगे हुए हैं। अब मैं इसे मशीन को चला के दिखाता हूँ, सामने से शूट करना है, एकदम बहुत देर से इंतज़ार करवाया। तो ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पैनल का ये बटन ऑन करूँगा तो ये हांडी चलने लगेगा। देखिए ये किस तरह से चल रहा है, चारों तरफ से दिखाओ, एकदम चारों तरफ से दिखाओ मोटर पर कैसे मोटर चल रही है, कैसे ये वर्क कर रही है। देखिए चारों तरफ से दिखाओ, देख पा रहे होंगे किस तरह से मोटर चल रही है और कैसे बेल्टें घूम रही है। सामने से दिखाओ, जूम करके दिखाना, हाँ अब यहाँ से दिखाना पानी किस तरह ऑटोमेटिक लेगा। देखिए हम जैसे ही इसमें, सबसे पहला प्रोसेस होता है इसमें पानी डालने का ही, हमें इसको माल डालने से पहले थोड़ा सा पानी डालना होता है। तो हम यहाँ से वाटर ऑन कर देंगे, देखिए वाटर ऑन करते कितना प्रेशर से पानी आ रहा है, जूम करके दिखाना, हाई प्रेशर पानी आ रहा है और इसके अंदर ये पानी लेके बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको ऑफ़ करना है बीच में ही तो यहाँ ऑफ भी कर सकते हैं, पर ये 10 सेकेंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। पानी के बाद क्या है, लेबर इसमें माल डाल रही है, आपके स्टाफ माल डाल रहे हैं, वहाँ पे तीनों कांटे में बराबर माल आ गया। फिर हमें ये होपर को ऊपर उठा के माल डाल देना है। देखिए ये देखिए ड्रम को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और फिर ये देखिए किस तरह से माल उठेगा, ये माल गिर गया। और फिर हम जैसे इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे जाएगा। इसको एकदम हल्के हाथ से दबाना पड़ता है, नहीं तो क्या है बहुत हाई स्पीड उठता है। ये देखिए ये देखिए ये माल गिर गया सारा। फिर हम हल्के हाथ से दबाएंगे तो ये नीचे आएगा। देखिए
ये देखिए कैसे आ रहा है, ये आ गया नीचे देखिए, बस यहाँ रोक देंगे माल। इसमें गिरने के बाद इसके अंदर माल मिक्स हो रहा है, मिक्स होने के बाद फिर हम यहाँ माल को नीचे पलटी मार देंगे ऐसे। ये देखिए कैसे माल गिर रहा नीचे, एकदम बेहतरीन। ये सारा माल नीचे गिर गया, देखिए जूम करके दिखा देना। और फिर हम इसको इसी कंडीशन में ला के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे लॉक लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, ये होने के बाद हम यहाँ पे लाओ, यहाँ पे हम बटन दबाएंगे तो इसका सारा प्रिंट निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रिंट वाला बटन है रेड वाला, हम जैसे ही दबाएंगे देखिए किस तरह से प्रिंट निकलेगा। ये देखिए ये प्रिंट इस तरह से निकल गया। अब मैं थोड़ा इसको पर्ची को फाड़ लेता हूँ और आपको बेच दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर इस तरह से बेच रिपोर्ट लिखेगी, 6/4/2024 आज का जो टाइम है, 6 तारीख है, 4th महीना अप्रैल का चल रहा है और 2024 चल रहा है, यानी ये चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव होने वाले लोकसभा के। और आज हमारे गाज़ियाबाद में नरेंद्र मोदी जी का रैली भी है, पर वो रैली वाले रैली देख रहे हैं, मतदान ज़रूर करने जाइएगा आप भी। तो इसमें ये 6/4 को ये टाइम भी आ गया 17:20 पे, जो ये प्रिंट निकाला गया है। अभी 18:25 हो रहा है, देखिए टाइम भी है, ये 6:25 हो रहा है, एकदम लाइव टाइम दिखा रहा हूँ मैं आपको। और एकदम ये टाइम एक्यूरेट टाइम एकदम आ रहा है। और दूसरी सबसे बात कि इसमें पहले में आएगा एग्रीगेट 1, यानी एग्रीगेट 1 में रोडी जा रहा है 10 mm है या 20 mm डाल रखा है आपने, अगर एक ही रोडी यूज कर रहे हैं तो 20 mm का डाल दिया। एग्रीगेट 2 आएगा, उसके अंदर क्या है, कोई जीरा डाल देता है, कोई 20 mm वो 10 mm डालता है, बारीक रोडी डाल देता है, या बदरपुर डालता है, या डस्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद आएगा सीमेंट, सीमेंट एक में सीमेंट आएगा कि सीमेंट कितना डाला जी। और उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा वाटर, तो वाटर कितना गया उसका डाटा दिखाएगा इसमें, वाटर का दिखाएगा कि इसमें अभी 2.4 लीटर वाटर गया है। तो इस तरह से प्रिंट निकलता है, हमें जैसे ही प्रिंट निकालना हो तो इस तरह से ये डाटा पूरा निकल जाएगा हमेशा। और आपको कुछ भी इसमें एंटर करना हो, अपना नाम डालना हो, उसका ये बदलना हो, देख लीजिए एग्रीगेट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सैंड लिखा हुआ है, यहाँ सीमेंट, यहाँ वाटर, तो उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं एक बार और पानी उठा के दिखाता हूँ, यहीं से सामने से शूट करो। देखिए किस तरह से इसके अंदर हमें वाटर का बटन दबाया मैंने, देखिए कितना हाई प्रेशर पानी उठा रहा है, यानी ये पंप बहुत ही अच्छा है। अब आपके सरकारी काम छूटने वाले नहीं है, और अगर आपने हिम्मत हार दिया हो कि भाई इतनी महंगी मशीन आ रही है वो टेंडर मुझे कैसे मिलेगा, तो वो संजीव कुमार आपका टेंडर छूटने नहीं देगा। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, देखिए ये मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए इमरजेंसी स्विच दबा के, चाहे यहाँ से मोटर भी दबा सकते हैं, इमरजेंसी स्विच दबाने पे सारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इस मशीन के फंक्शन से जिससे आप कर सकते हैं, और जो भी कुछ करना चाहते हैं हर चीज़ का सॉल्यूशन है। परमपिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान लगाइए और अपने काम में उतर जाइए। बस दिल से आप चाहते हैं, आपकी शिद्दत से चाहते हैं उस चीज़ को करना, तो पूरी सृष्टि आपके उस ख्वाहिश को पूरी करने में लग जाएगी, और उस तरह के हमारे साथ लोग मिलेंगे और वो काम पूरा होने लगेगा, और आपका जो जो भी प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा, और वो एकदम होना ही होना है क्योंकि आप चाहते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम थी कि भाई उतनी महंगी मशीन मैं कहाँ से लाऊं और किस तरह से वो टेंडर पकड़ूं, तो ये मशीन वो काम करेगी। इसके अंदर डीजल से ही चलने वाला भी आता है, जिसके अंदर हम अल्टरनेटर लगा देते हैं तो बिजली ऑलरेडी वो बिजली खुद बना देता है। और वहाँ अगर बिजली की सप्लाई है तो आप ये इलेक्ट्रिक वाली मैं सजेस्ट करूँगा, इसे लेके आप बिजली वो इलेक्ट्रिक वाला ले सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मशीन और कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका, मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं, और किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। यहाँ मशीन वाला में हर तरह की मशीनें मिलेगी, देखिए फैक्ट्री में कैसे काम हो रहा है एकदम, देखिए ये बाहर का नज़ारा है, मशीनों की लाइन लगी पड़ी है, और ये अंदर है उसमें भी बहुत सारी लाइन पड़ी है। और ये देखिए ये हर तरह की हमारे पास व्हील बैरो मिलेगी, सिंगल व्हील बैरो, डबल व्हील बैरो, जिससे कि वर्क बहुत फास्ट होगा। जितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगे और जितनी ज़्यादा अपने काम में टेक्नोलॉजी और मशीनरी लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और काम में क्वालिटी आएगी तो सारे टेंडर क्लाइंट आपको ही देंगे, यानी आपके ग्राहक आपके पीछे पड़ रहेंगे, आपकी सर्विस से, आपकी क्वालिटी से, आप समय से पहले टेंडर पूरा करके दे रहे हो उसके लिए।
तो ये सब चीज़ें आकर्षित करने के लिए और हमारे टेंडर को पूरा करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी है मशीन और कैसा लगा हमारे समझाने का तरीका? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों में बता दीजिए। ये मशीन लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी जा रही है, पर अब आपके सामने लाइव आ गई है। मेरे से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, छोटा भाई मित्र जो भी है समझ के क्षमा कर देना, और थोड़ा सा प्रेम हो तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेने के लिए इस बोल्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे इस बोल्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेस टू फेस बात करेंगे तब जाके होगा। और कोई भी बिजनेस करने से पहले जांच पड़ताल करें तब उस बिजनेस को करें, कहीं भी पैसे ब्लॉक नहीं होने चाहिए आपके। ये इमीडिएटली और हमेशा मैं कहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जांच पड़ताल करना, हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उसके मार्केट रिसर्च करके कीजिए कि वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मशीनों के साथ मशीनें बननी पड़ती है अगर आप खुद कर रहे हैं तो, नहीं तो बड़ी कंपनी है, बहुत सारे पैसे हैं तो उसमें स्टाफ करने वाले हैं, वो करते रहेंगे, तो वो आपको पता ही है किस तरीके से होता है। तो एकदम उससे एकदम जांच पड़ताल करके करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट और विनती है। तो मेरे सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।